विश्व भर में तबाही मचा चुका कोरोना वायरस अब भारत में अपने पैर तेजी से पसार रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 2000 हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 58 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है और ना ही इसकी कोई दवा है। हालांकि दुनिया भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट इस पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और इलाज की खोज में लगे हुए हैं। फिलहाल इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना से बचने के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है। कोरोना के संक्रमण से किडनी, हार्ट और डायबिटीज के मरीज ज्यादा सावधानी बरतें। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हार्ट पेशेंट इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतें। हार्ट के मरीजों पर कोरोना वायरस का अधिक प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। डायबिटीज के मरीजों के लिए हमने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। हार्ट पेशेंट्स इस बात का खास ख्याल रखे कि वो ज्यादा से ज्यादा घर में रहे। कार्डियक के मरीजों में कोरोना वायरस का असर सामान्य से 2 से 3 गुना अधिक होता है। इन लोगों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खाने में विटामिन से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। कोशिश करें कि आप गर्म पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। खाने में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। कोई परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें। हर घंटे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग इन दिनों खास ध्यान रखें। हार्ट पेशेंट्स को खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। दरवाजे खिड़की खोलते हुए नैपकिन का प्रयोग करें। खांसी जुकाम को हल्के में ना लें। कोशिश करें कि आप घर पर ही हल्की फुल्की वॉक करते रहें। हो सके तो सुबह उठकर योगा जरूर करें। ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस ऐसे लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। बेशक इम्यून सिस्टम एक दिन में मजबूत नहीं होता, लेकिन आप रोजाना कुछ उपायों के जरिए इसे मजबूत कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।